अपने घर ले जाएंगे। जियान, जियान रुको।
तुम अकेले नहीं, मैं भी उसका ध्यान रखना चाहता हूँ जी। आ जा। चलो अपने गीले कपड़े बदल लो, हम इन्हें सुखा लेंगे। क्या तुम ये पहनना चाहोगे या ये वाला? रुको जरा, ये सही रहेगा। ये लो मेरे खास कॉन्सर्ट वाले कपड़े, तुम अच्छे लगोगे। जियान मुझे बहुत ठंड लग रही है। जरा एक मिनट रुको, मैं नोबिता को इस तरह के खराब कपड़े नहीं पहनने दूंगा, समझे तुम? क्या कहा? मैं नोबिता के लिए खास इटली, फ्रांस और जर्मनी के कपड़े लेकर आया हूँ, जो नोबिता को बहुत अच्छे लगेंगे, है ना नोबिता? बताओ। मेरे कपड़े इन कपड़ों से बेहतर हैं, तुम ये पहनो नोबिता। कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो, कुछ भी। क्या कहा? कुछ भी। ये वाला दे दो, कोई भी दे दो, ये सारे मुझे दे दो। तुम्हारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नोबिता, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सब तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मेरे पास तुम्हारी पसंद की सब चीजें हैं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ये सारा खाना हमने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाया है, तुम जितना चाहो खा सकते हो नोबिता, वो भी पेट भर के। पर सबसे पहले तुम ये खाओ। कैसा है ये, तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है जियान। जरा इसे खा कर देखो, इसे खाने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा। मुझे और नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम मेरा खाना नहीं खा रहे। नोबिता को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया जियान। क्या कहा तुमने? अब तुम इसे खाओगे। मुंह खोलो, खाओ इसे। कैसे हुई मेरे खाने की बेइज्जती करने की? खाओ, बेकार का खाना भी यहाँ से ले जाओ। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब मुझे कैसे भी करके इसका इस्तेमाल शिजुका के सामने करना होगा। हाँ शिजुका, ये तो डिग्री सुगी का घर है। माफ करना, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ा। फिक्र मत करो, ये लो तुम्हारी किताबें और पढ़ाई का सामान। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो डिग्री सुगी की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। क्या तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ किताबें लौटानी है? अगर तुम पूछ रही हो तो मैं घर जाते समय उन्हें लौटा दूंगी। अब मेरी बारी। जाओ नोबिता।